ये कुछ इस तरह की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है एंड वाओ की हर प्रोडक्ट की तरह ये भी अल्कोहल। All my friends are toxic, all ambitionless, so rude and always negative. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. आज मैं आप लोगों के लिए एक टोनर की रिव्यू लेके आई हूँ एंड ये है वो टोनर वाओ स्किन साइंस का लेवेंडर एंड रोज स्किन मिस्ट टोनर। तो इस टोनर के बारे में जानने से पहले ये जान लेते हैं कि टोनर हमारे स्किन पे क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं इसके। टोनर जो है वो स्किन केयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। स्किन पे जो एक्स्ट्रा डर्ट वगैरह होते हैं उसे वो रिमूव करता है एंड स्किन की पीएच लेवल को बैलेंस करता है और स्किन पे जो ओपन पोर्स होते हैं उसको क्लीन करके स्किन टाइटन एंड क्लोज कर देता है एंड उसके साथ साथ स्किन को हाइड्रेट रखता है। और भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो अब चलिए इस टोनर के बारे में जान लेते हैं। यह है वाओ स्किन साइंस का लैवेंडर एंड रोज स्किन मिस्ट टोनर। तो ये कुछ इस तरह की कार्डबोर्ड की पैकेजिंग में आता है। वाओ की हर प्रोडक्ट की तरह ये भी सल्फेट एंड पैराबिन फ्री है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत ही सही है एंड ये स्किन को हाइड्रेट एंड रिफ्रेश करता है एंड सूट्स ऑल स्किन टाइप। ये हर तरह की स्किन को ये सूट करता है। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे डिटेल्स दिया हुआ है, तो इसकी जो इनर पैकेजिंग है वो देख लेते हैं। कुछ इस तरह की प्लास्टिक के बॉटल में ये टोनर आता है एंड ये ट्रांसपेरेंट है, तो इसे आपने कितना यूज़ किया है आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने इसे इतना यूज़ किया है। एंड ये स्प्रे पंप सिस्टम है, तो इसे यूज़ करना भी बहुत ही ईजी है एंड ये क्लेम करते हैं कि इट हाइड्रेट स्किन, मेकिंग इट सॉफ्ट एंड वेलवेटी टू द टच, रिवाइव एंड रिस्टोर डल डिहाइड्रेट स्किन, टोन एंड बैलेंस ऑयली स्किन एंड रिड्यूस एक्ने ब्रेकआउट, टाइटन पोर्स एंड लाइटन ब्लेमिशेस, फॉर्म ए प्रोटेक्टिव बैरियर दैट कीप्स डर्ट एट बे। तो ये जो टोनर है ये आपकी स्किन को एक वेलवेटी टच देगा एंड ये डल डिहाइड्रेट स्किन को ये ठीक करता है और एक्ने ब्लेमिशेस ये सारे प्रॉब्लम्स को ये काफ़ी हद तक ये ठीक कर देता है। और यहाँ पे एक क्यूआर कोड भी दिया हुआ है जिसे आप स्कैन करके इसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं। इस टोनर को मैं पिछले एक महीने से यूज़ कर रही हूँ। मुझे ये टोनर काफ़ी पसंद है क्योंकि फेस वॉश करने के बाद जब मैं इसे यूज़ करती हूँ तो बहुत ही फ्रेश फील होता है एंड ये मेरी स्किन को बहुत देर तक हाइड्रेट रखता है और इसकी जो खुशबू है बहुत ही रिफ्रेशिंग है। और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो है लेवेंडर एंड रोज़ ग्रीन टी एंड क्यूकम्बर। लेवेंडर हमारे स्किन पे जो एक्ने एंड रिंकल्स की प्रॉब्लम होते हैं उसको ठीक करते हैं एंड उसके साथ साथ स्किन को लाइटन करने में मदद करते हैं। और जो रोज़ वाटर है, रोज़ वाटर स्किन की रेडनेस को रिड्यूस करता है और स्किन को मॉइस्चराइज एंड हाइड्रेट रखता है। और जो ग्रीन टी है, ग्रीन टी स्किन की जो एक्ने की प्रॉब्लम है एंड जो प्रीमेच्योर एजिंग की प्रॉब्लम है उसको ये ठीक करता है। और एक इंग्रेडिएंट है वो है क्यूकम्बर। क्यूकम्बर फेस की स्वेलिंग एंड पफनेस को रिड्यूस करता है एंड ये इरिटेशन को कम करता है और फेस पे एंड स्किन को ये बहुत देर तक हाइड्रेट रखता है। इस टोनर को कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आप लोग को बता देती हूँ। टोनर को हमेशा फेस वॉश करने के बाद एंड मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने से पहले यूज़ करना पड़ता है। इस टोनर को आप कॉटन की बॉल की मदद से आप इसे यूज़ कर सकते हो एंड ये स्प्रे सिस्टम है, तो आप इसे फेस पे से थोड़ी सी दूरी रखकर इस तरह से स्प्रे करके आप इसे यूज़ कर सकते हो, जो कि मुझे काफ़ी ईजी लगता है। एक्चुअली मैं थोड़ी सी लेजी टाइप की हूँ, तो मुझे ये काफ़ी पसंद है इसे यूज़ करना। एंड इसकी जो प्राइस है वो है 499 और क्वांटिटी है 200 ml और सेल्फ लाइफ है 2 ईयर्स की। तो ये जो टोनर है मुझे काफ़ी पसंद है, आप लोग भी इसे ट्राई कर सकते हो। तो ये रहा मेरा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया। ये वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। बाय।